नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पूर्वी चंपारण जिले बाढ़ का कहर और रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन लोगों की परेशानियां अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब भी जिले के सैकड़ों घर पानी की निकासी नहीं होने के कारण टापू में तब्दील है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोग हलकान है और प्रशासन है कि उसे कुछ दिखलाई देता है नहीं। तस्वीरें मोतिहारी के चकिया अनुमंडल के नरहर पकड़ी के चकबारा पंचायत के मुटियार टोला की है, जहां आप देख सकते हैं कि लगभग 50 अरब भी टापू में तब्दील है। लोग हलकान है व लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कौन कहे, कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने तक नहीं आया है। टोले के टापू में तब्दील होने की कहानी इनकी नई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ का पानी इस टोले में आता है। बाढ़ चली जाती है, लेकिन अपनी निशान यही छोड़ जाती है, क्योंकि यहां सरकारी मुलाजिमों की कर्तव्यहीनता व राजनीतिक उपेक्षा के कारण पानी के निकासी की यहां कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसके कारण आज इन लोगों की ये दुर्दशा है। आलम यह है कि अब भी 75 से अधिक परिवार ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए है व खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। आपका सुरेंद्र राय, क्या मामला है, जगह कौन है, क्या मामला है, बाढ़ की स्थिति के लोग लेकर के गांव है और बगल में बूढ़ी गंडक नदी है। नदी का जल बढ़ने से हमारे मटियारपुर नरहर पकड़ी का टोला है मटियारपुर, जिसमें लगभग 50 घर चारों तरफ से पानी में घिर गया है, निकलने का कोई साधन नहीं है। टूटा फाटा छोटा मोटा घर है जिसमें पानी घुस गया, उसमें रहना काफ़ी परेशानी हो रहा है। उन लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक, लोग तबात्रा ही मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ के आस पड़ोस के जो तंबू गिरा करके लोग रहे हुए हैं, नरहर पकड़ी का एक और टोला इधर दुबान्हा बोलते हैं, इसमें लगभग 70 से 80 घर जो नदी के पानी में ही घिरा हुआ है। इन लोगों को निकलने का साधन नहीं था, तो अपना बाल बच्चा लेकर के बांध पर शरण लिए हुए हैं। यहाँ भी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिला। अच्छा, ग्रामीणों के द्वारा कोई सरकारी व्यवस्था वहाँ पर ब्लॉक में जो भी व्यवस्था किया गया है, सब ग्रामीण लोगों के द्वारा अपने स्तर से करके लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये तो हर साल आता होगा बाढ़ है, लेकिन हर साल बाढ़ आता है और किसी साल में 2 बार भी आ जाता है। अभी पहला बार है और इतना ज्यादा पानी बढ़ गया जिससे अभी तक सब लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, सब लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जो बारिश का पानी इतना ज्यादा हो गया, जो पानी निकलने का जगह नहीं है, जिसमें खरीद फसल लोग लगाए थे, धान लगाए थे, सब धान उसी में डूब गया। पानी ऊपर से है, लोग त्राही माम है, हम क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। लोग तड़प रहे हैं, हमको लगता है आने वाले दिन में सभी लोगों को खाने पर आफत हो जाएगा। कितने घर, कितने गांव और कितने लोग प्रभावित है इस बार? गांव में इस तरफ लगभग 700 के आसपास घर है। नदी के किनारे अभी जो बता रहे हैं, नदी के किनारे इस तरफ अभी एक तरफ जहां 50 घर है और दूसरे तरफ 70 से 80 घर है, इस तरफ जो दुबाना में फंसा हुआ है। जिस नदी की बात अभी कर रहे हैं बीचों बीच, उस वहां पर कितने लोग और कितने घर वहां पर फंसे हुए हैं? वहां पर 50 घर में लगभग 200 लोग होंगे जो नदी के बीच में है। जो नदी के बीच में